मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। करोड़ों रुपए जलाकर भी एलन मस्क बना रहे अंतरिक्ष का बाहुबली, जाने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की ताकत। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम स्टारशिप बनाया है। शनिवार की सुबह इसने सुरक्षित तरीके से उड़ान भरी, लेकिन कुछ समय बाद ही यह विस्फोट के साथ फट गया। एलन मस्क का यह दूसरा स्टारशिप था जो लॉन्च के बाद फेल हो गया। सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप उड़ान भरने के बाद सफलतापूर्वक अलग हो गए। स्टारशिप ने अपना इंजन चालू किया और दूर चला गया, लेकिन तभी सुपर हैवी बूस्टर में धमाका हुआ। मैक्सिको की गाड़ी के ऊपर आग की लपटें देखने को मिली, लेकिन स्टारशिप अंतरिक्ष यान कुछ समय के लिए यात्रा जारी रखने में कामयाब हुआ। अप्रैल में भी करोड़ों रुपए खर्च कर एलन मस्क ने एक लॉन्च किया था। यह स्टारशिप का पहला लॉन्च था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए का नुकसान झेलकर क्यों वह ऐसे बना रहे हैं। दरअसल एलन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो अंतरिक्ष यात्रा में एक गेम चेंजर साबित हो। स्टारशिप एक ऐसा रॉकेट होगा जो फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें एक साथ 100 लोग बैठकर अंतरिक्ष में जा सकेंगे। एलन मस्क का लक्ष्य है कि इससे लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाए, दूसरे ग्रहों पर इंसानों को ले जाना चाहते हैं मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई है कि जीवन को दूसरे ग्रह तक पहुंचाया जा सके। एलन मस्क का कहना है कि पृथ्वी पर बड़े उल्का पिंड से महाप्रलय आ सकता है, ऐसे में अगर इंसान मंगल पर भी होंगे तो मनुष्य की सभ्यता को बचाया जा सकता है। साल 2016 में एलन मस्क ने कहा था कि हमारे पास दो विकल्प हैं, जिनमें से एक धरती पर रहना और खुद को खत्म होता देखना, वही दूसरा विकल्प इंसानों को कई ग्रहों पर बसाना है। कैसा है सबसे शक्तिशाली रॉकेट? इस अंतरिक्ष यान को दो हिस्सों में बनाया गया है। पहला स्टारशिप जो नुकीले आकार का है, यह सुपर हैवी रॉकेट के ऊपर फिट किया जाता है। दोनों को मिलाकर इसकी ऊंचाई 120 मीटर हो जाती है। दोनों को साथ में भी स्टारशिप ही कहा जाता है, वहीं इनका व्यास 9 मीटर होगा। अगर सिर्फ सबसे ऊपर वाला स्टारशिप की बात करें तो यह 50 मीटर लंबा, वहीं सुपर हैवी रॉकेट अकेले 71 मीटर का है। यह स्टील का बना है। सबसे शक्तिशाली इंजन स्टारशिप में मीथेन ऑक्सीजन ईंधन से चलने वाले रैप्टर इंजन लगे हैं, जिसका फिर इस्तेमाल किया जा सकता। इनकी लंबाई 3.1 मीटर है। फैल्कन 9 रॉकेट के मर्लिन इंजन से इसकी ताकत दुगनी है। इसमें 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जिनमें 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन हैं, जिन्हें खाली अंतरिक्ष के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं सुपर हैवी रॉकेट में 33 रैप्टर इंजन हैं, जिनमें से 13 केंद्र में और 20 उसके चारों ओर होंगे।